भैया अब एक समय पर, अब एक समय पर, अब कृष्ण चंद्र ने अब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अब अर्जुन बोले बोले अब श्री कृष्ण से, अब सुनियो वचन हमारे है, अब नाथ कौन कारण से हो गए, अब उन सफल क्या बात है दद्दा। मन लगता है जब वास्तव में साज साज हो, अब कहें कृपाली आज यहाँ पर, अब कहें कृपाली आज यहाँ पर, अब सब ऋषि मुनि रे अब पधारे है, सपत ऋषि को अरे शूद्र ज्ञान के तुम नहीं ध्यान कहते हैं जब अर्जुन बोले भगवान क्या हो गया, भगवान कन्हैया कहते हैं कि धर्मराज अपने सबको बुलाया, लेकिन वहां से मात्र 4 किलोमीटर सुपा भगत का स्थान है और आपने उनको निमंत्रण नहीं दिया। बोले महाराज भूल हो गई। कहते हैं कन्हैया की सुनो महाराज, धर्मराज अब प्यारे मेरे होते हैं सब जन एक समान, अब ऊंच नीच जाने वही सोचने जाते अभिमान, ये दूल्हे राजा की मौसी जी की तरफ से 51 मुद्रिकाएं प्रदान होती हैं पार्टी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जिस समय ऐसा बताया कि आपने उनको एक छोटा जान के और आपने निमंत्रण नहीं दिया तो बताया क्या, अब एक भक्त अरे प्यारे हरि जन के, अरे जन के नाम निशानी है, उनकी आपने खबर भुला दी। जिस समय ऐसा कहा तो भीम को ताव आ जाता है। बोले महाराज ये कौन बड़ी बात है, अभी जाता हूं मैं, जैसे भी आएंगे वैसे लिवा के लाऊंगा। अब भीम लिवाने, अब भीम लिवाने लिवाने लिवाने, अब कहलवाने अब सपत ऋषि को, अब
अब मन में ये अरमान किया हो। अब योग दृष्टि से सुनो ऋषि ने या भाव भीम का जानो। जब जान लिया कि भीम के अपमान आ गया है, जैसे आएंगे वैसे लेवा के जाऊंगा, तो कहते हैं सुपा भगत सुने महाराज। अब कहा भीम से सुनो ने, और सम्मान्य हमारे दया शंकर भैया बड़े सुंदर गायक हैं और मेरे छोटे भैया है, 21 रुपए का पुरस्कार सम्मान करता हूं, भैया का स्वागत करता हूं। और सम्मान्य आप है हमारी दुहला की माई, ये 51 रुपए का पुरस्कार इन शब्दों में आशीर्वाद सर्मस्तक में सबका। और हमारे YouTube चैनल करदम सिंह का दौरा पर आप बहुत सुंदर इनका प्रोग्राम है। देखें YouTube में देखें, बड़े सुंदर कार्यक्रम आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सम्मान्य हमारे बंडवा वाले मेहमान साहब, लड़का के फूफा साहब, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान होता है, आशीर्वाद की कामना करता हूं। के अंदर खुटिया में, अबे कुटिया के अंदर खुटिया में, अबे टंगी सुमर ने बता दिया, अबे कुटिया के अंदर खुटिया में टंगी सुमर ने, कुटिया के अंदर खुटिया में टंगी सुमर ने बता दिया। बोले महाराज मेरी एक माला कुटिया के अंदर खुटिया में टंगी हुई है, मैं चलने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन आप मेरा इतना थोड़ा सा काम कर दे, क्योंकि भीम को अपमान था कि जैसे ही सुपा भगत आएंगे वैसे ही मैं लेके आऊंगा, चाहे जैसे आए, अपमान था। और जब कहा तो भीम कहते कोई बात नहीं, अब दौड़े गदाधारी, दौड़े गदाधारी पहुंचे कुटिया के दरम्यानो, अब माल उठाई ना उठी तो हार भीमो जवान। वहां पर इतना बड़ा बलि, इतना बड़ा बल का यह भवान, और जब माला नहीं उठती है तो सुपा भगत कहने लगते हैं कि भैया, कहते महाराज वो मुझसे बहुत बहुत वजन है, नहीं उठती है। बोले हाँ भीम, अब वही माला अब ऋषि की उंगली में, जिस समय बाएं हाथ की उंगली बढ़ा देते हैं सुपा भगत, तो वही माले अब ऋषि की उंगली में, अब बिल्कुल ना गर्वानी है। वही माला सुपा भगत एक उंगली से उठा लेते हैं, भीम का अपमान चूर चूर हो जाता है, और कहते हैं चलिए भीम मैं चलने के लिए तैयार हूं। अब गैलबा के, अब गैलबा के, अब सबद को, अब
पावन साला में पहुंचे अब बड़े बड़े ऋषियों के बीच में अब बड़े बड़े ऋषियों के बीच में अब यारी करी श्री भगवान करो अब धर्मराज ने अब आसन दीनी अब धर्म राज ने अब क्यों खूब स्वागत अब विनय करी कर जोर जोर के अब विनय करी कर जोर जोर के अब क्षमा करो क्षमा करो ये जिस समय लेवा के पहुंच जाते हैं यज्ञशाला में जहां धर्मराज महाराज यज्ञ कर रहे थे वहां पर भगवान कन्हैया ने बड़ा सम्मान किया सुपा भगत का और धर्मराज ने आसन दी हाथ जोड़कर प्रार्थना की महाराज भगत हमसे गलती हो गई कि जो आपको हमने इस यज्ञ में सम्मिलित निमंत्रण नहीं भेज पाया खट रस मीठे रस के सभी अब व्यंजन विविध प्रकार परस द्रौपदी ने दए सुमन में करो सब भोजन परोस दिए तो वहां भगवान का भोग लगाया सुपा भगत ने तो द्रौपदी के मन में विषय हो जाता है और क्या विषय हो जाता है कि छोटी कौम का है एक शूद्र जात का है कभी अच्छा भोजन नहीं किया तो अच्छे भोजन का स्वाद क्या जाने। जब द्रौपदी के मन में गिलान हुआ तो सुपा भगत जान जाते हैं क्योंकि भक्त के बस में भगवान होते हैं। जब जान जाते हैं तो बताया सुपा भगत ने कि हे महाराज जो तुम्हारे यहाँ सन्नाटा था इसमें थोड़ा सा नमक सभी गड्ढे करके भगवान का जब भोग लगा दिया और जो तुम्हारी छोला की सब्जी थी इसमें थोड़ा सा मिर्ची ज्यादा थी सब भोजन के अलग अलग टेस्ट बताए जाते हैं। हुआ क्या दोस्तों द्रौपदी और सम्मान्य लड़का के मामा जी अमित कुमार जी की तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार भैया का सम्मान और स्वागत करता हूं। अब पूरन यज्ञो अरे भाई ती पांडव के और सम्मान्य लड़का के बड़े भैया कंधीलाल जी 21 रुपए का पुरस्कार इन शब्दों में भैया का सम्मान करता हूं। अब पूरन यज्ञ अरे भाई ती पांडव के यशपति ऋषि के आने से अब आसमान से घंटा बोले अब जिनके तब भोग लगाए कई मोरे भैया 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 अब पुरान लगे भाई रे पांडव कहे पत्थर के जाने एक रुपए का पुरस्कार सम्मान्य हमारी दूल्हा की भाभी की तरफ से प्रदान होता है
सम्मान और आशीर्वाद की कामना करते हुए तो बुरा किसी का मत करना, अब फूल नहीं बन सकते हो तो फूल नहीं बन सकते हो तो कांट बन कर मत रहना। का पुरस्कार सम्मान्य लड़का की माई सपना, इनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आता है, सम्मान करता हूं। अब पूरन जगो भाई बंदा कहे या सपत्री के आने से आए समय जग सफल पूरा भाई अब घटे ऋषि के मानो अब सुपत ऋषि को बढ़ गयो सो देखो दुनिया में नाम क्योंकि और लड़का के फूफा जी पहाड़ी वाले ये दोनों कलाकारों के लिए 10-10 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं हमारे नृत्य कला पर जो आपकी सेवा करते हैं। और लड़का की माई सपना गहरोली, क्या बात है गहरोली भैया, गहरोली मेरी जन्मभूमि है, गहरोली मेरी जन्मभूमि है, निवास चाक कहीं बना लो लेकिन जन्मभूमि तो जन्मभूमि होती है। लेकिन एक विशेषता सुनो, गहरोली गहरी बसी और अंगाइना कहन अगर कहन तो दद्दा जा भड़यन के खान कैसे। और हमारे धर्मेंद्र भैया और राजेंद्र भैया लड़का के भैया यानी छोटे भैया बड़े भैया सुपा भगत ने भगवान का भोग लगाया था उसी भोग को भगवान कन्हैया ने उठा करके और जगन्नाथ स्वामी पर रखा है क्योंकि वहां कहते हैं कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, ये प्रमाण कहता है। और लीजिए अरे बूटी पी लो अब हरि नाम की क्योंकि 84 लाख योनि में मानव जीवन मिलता है इसका दुरुपयोग ना करें। और क्योंकि सबसे बड़ा चाह एक सीधा नेटवर्क का धाम समझें या मोक्ष का धाम समझें या कृतार्थ का धाम समझें वही धाम है जिसकी सच्ची लगन सच्ची आस्था परमात्मा से होती है। लड़का के भैया अज्जू गहरोली निवासी 21 रुपए का पुरस्कार सम्मान करता हूं भैया का, इसलिए लिखा क्या है कह बूटी पी लो अब हरि नाम की, अरे बूटी पी लो अब हरि नाम की, अरे जय बोल बोल के अब घोल घोल भगवान से रामलाल भैया की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं आशीर्वाद की कामना करते हुए। और छेड़ी वाले
मामा श्री इनकी तरफ से पन्ना मदन भैया की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार सम्मान करता हूँ भैया का। हेलो हेलो, ध्यान दें, ये रूफ टॉप चैनल हमारे शोपाल भैया जी करही जिनका ये रूफ टॉप चैनल चल रहा है, और इसी क्रम में हमारे करधम ऋषि आश्रम कदौरा छंगा भैया अहरवार जी ये 21 मुद्रिकाएं करधम ऋषि आश्रम कदौरा, धन्यवाद। बोल बोल के अब बोल बोल के जय बोल बोल के अब बोल बोल के क्योंकि अच्छे मन से जिन जिन महापुरुषों ने इस बूटी का पान किया है उसका कुछ टेस्ट ही अलग है। बूटी अब पी लई द्रौपदी नारी बूटी पी लई द्रौपदी नारी जो हो ना सकी उंगारी बूटी पी लई द्रौपदी नारी जो हो ना सकी उंगारी जनकला बचा लई जन कला जे बचा लई पल्लू जोड़ जोड़ के जय बोल बोल के बूटी पी लई है हनुमान बूटी पी लई है हनुमान जिनके हृदय बसे भगवान हनुमान जिनके हृदय बसे भगवान जिनने लंका या जला दई जिनने लंका या जला दई खिड़की खोल खोल के जय बोल बोल के और किस रुपए का पुरस्कार सम्मान्य हमारे लड़का के मामा जी ये गहरोली राजकुमार भैया की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान होता है। बहुत बहुत स्वागत है। और प्रमाण जहां तक हमारे महापुरुषों ने लिखा है आत्मा राम दुबे जिनकी पत्नी हुलसी जिनका बचपन का नाम राम बोला महाराज तुलसीदास नाम उनके धर्म पत्नी रत्नावली को गुरु माता मानते हुए पर प्रमाण कहता है और सम्मान्य दुहला राजा के हमारे नाना और नानी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार क्या बात है। आज तो गहरोली ने नाम ही अखंड कर दिया।
तुलसीदासो जन खामले श्री रघुनाथो खामले श्री रघुनाथो जन लिख डारी रामायण कह जन ने लिख डारी रामायण पन्ना खोल खोल के जय बोल बोल